हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे पता चलेगा आपको कि बस आपकी डिलीवरी होने ही वाली है या अभी थोड़ा टाइम आपकी डिलीवरी में लग सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर बाद में आप भूल जाते हैं। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में घंटी को प्रेस कर लीजिए। एक और रिक्वेस्ट है, आपकी डिलीवरी होने वाली है, बेबी केयर से रिलेटेड आपको टिप्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमारा चैनल है रेशूज बेबी केयर। आप उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस जरूर कर लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आपको नौवां महीना लगता है तो आपको बेबी के आने का इंतजार बेसब्री से होने लगता है कि हमारा बेबी जल्दी से आ जाए हमारे पास। मतलब नौवां महीने लगते ही ना, फिर हमारा जितना जो इंतजार होता है वो बस उसका जो सब्र होता है वो टूटने लगता है। आज मैं आपकी इसी बेसब्री को थोड़ा कम करने वाली हूँ। कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगी आपको जिससे आप पहचान पाएंगे कि आपका बेबी बस आने ही वाला है या अभी थोड़े दिनों का टाइम आपको लग सकता है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि 6 घंटों में आपकी डिलीवरी होने वाली है, तब आपको कैसे सिम्टम नजर आ सकते हैं। पहला सिम्टम है कि सारा भार आपके पेट के निचले हिस्से में ही फील होने लगेगा बेबी का। आपके पेल्विक एरिया पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगेगा और पेट का जो ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल खाली खाली सा आपको फील होने लगेगा। और साथ में ही आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपका बच्चा नीचे गिरने वाला है। पूरा जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा आपके पेल्विक एरिया वजाइना पर पड़ने लगेगा। दूसरा सिम्टम है कि आपको जब लगने लगे कि आपके प्राइवेट एरिया से गाढ़ा चिपचिपा सा तरल सा कुछ निकलने लगा है और साथ में उसकी स्पॉटिंग भी आपको नज़र आ रही है, मतलब हल्का खून भी आपको नज़र आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा करीब है, कुछ ही घंटे अब आपकी डिलीवरी में लगने वाले हैं। तीसरा सिम्टम है कि आपके पेट में पहले स्लो, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर और ज़्यादा जब ऐसा दर्द आपको फील हो रहा है और उस दर्द का जो टाइम पीरियड है, मतलब वो आपको 30 सेकंड के लिए रहता था, फिर 1 घंटे बाद फिर रहता था, फिर क्या होगा कि धीरे धीरे ये टाइमिंग बढ़ने लगेगी। मतलब दर्द आपका 30 सेकंड से बढ़ के 60 सेकंड तक रहने लगेगा और उसकी बीच की जो गैप है, जो टाइमिंग है, वो भी कम होने लगेगी। पहले 1 घंटे में आ रहे थे, फिर आपको 10-10, 15-15 मिनट में अगर दर्द आने लगते हैं और दर्द होते हैं वो बढ़ते जाते हैं, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी डिलीवरी होने ही वाली है। चौथा सिम्टम है कि आपकी पीठ और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाएगा। आपको 9वें महीने में अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द फील होने लगा है कमर और पीठ में, तो ये सिम्टम भी बताता है कि आपकी डिलीवरी होने ही वाली है, डिलीवरी में केवल कुछ घंटों का टाइम ही बचा हुआ है। 5वां सिम्टम है कि जब आपकी डिलीवरी का टाइम बहुत ज़्यादा करीब हो जाता है तो क्या होने लगता है कि आपको नींद नहीं आती है, नींद आपकी बिल्कुल उड़ जाती है और साथ में इमोशनली चेंजेस भी होने लगते हैं। मतलब आप थोड़े थोड़े टाइम में रोने लगेंगे या आप बेवजह ही खुश होने लगते हैं या आपके मूड स्विंग भी होने लगेंगे। इस तरीके के चेंजेस भी आपको नज़र आ सकते हैं जब आपकी डिलीवरी बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है। नेक्स्ट जो सिम्टम आपको नज़र आएगा वो होगा कि जब कुछ महिलाओं की डिलीवरी बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, उनको जैसे कि पहले महीने में फील होता है जब उनको उल्टी या मॉर्निंग सिकनेस होती है, वैसा ही डिलीवरी टाइम करीब होने पर भी होने लगता है कि मतलब उनको उल्टी होने लगती है और साथ में दस्त की दिक्कत भी हो जाती है, मतलब लूज मोशन होने लगते हैं। तो जैसे ही आपको ऐसी दिक्कत हो रही है तो समझ जाइए अब डिलीवरी में कुछ ही टाइम बाकी है, जल्दी ही आपकी डिलीवरी होने वाली है। इसके साथ ही जब आपका डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है तो आपको अपने ब्रेस्ट में भी पेन हो सकता है और ऐसा पेन हो सकता है कि आप टच भी नहीं कर सकते, आपको टच करने से भी पेन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे सिम्टम है, अगर ये नज़र आते हैं तो आपकी डिलीवरी कुछ ही टाइम में होने वाली है और जल्द ही आपका बच्चा आपके पास आने वाला है। अब जानते हैं जब आपकी डिलीवरी में थोड़ा टाइम बाकी है, अभी कुछ दिन और लग सकते हैं, तब आपको कैसे सिम्टम नज़र आएंगे। पहला सिम्टम आपको नज़र आएगा जब आपकी डिलीवरी में एक टाइम बचा हुआ है कि आपको पेट में दर्द तो होगा लेकिन हल्का हल्का होगा, बहुत कम फील होगा, तो ये दर्द आपको गैस और कब्ज की वजह से भी हो सकता है। दूसरा सिम्टम आपको नज़र आएगा जब आपकी डिलीवरी में टाइम बचा हुआ है, अभी टाइम लग सकता है,
आपके जो पेल्विक एरिया है उस पर ज़्यादा प्रेशर आपको फील नहीं होगा, वेजाइना पे भी ज़्यादा प्रेशर आपको फील नहीं होगा, और साथ में जो आपका पेट का ऊपरी हिस्सा है वो भी आपको भरा भरा सा फील होगा, साथ में आपको सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो मतलब अभी आपकी डिलीवरी में टाइम लगेगा। इसके साथ ही इमोशनली भी आपको किसी भी तरीके के कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। इसके साथ जैसा बच्चा आपका पहले मूवमेंट कर रहा था अभी भी वैसे ही मूवमेंट अगर कर रहा है, सेम वैसे मूवमेंट है, मूवमेंट में कोई भी कमी नहीं आई है, तो भी आपको समझ जाना चाहिए कि अभी आपकी डिलीवरी में टाइम लगेगा, अभी आपका डिलीवरी टाइम पास नहीं आया है। आपके जो प्राइवेट पार्ट एरिया है उससे भी किसी भी तरीके का डिस्चार्ज आपको नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी डिलीवरी में कितना टाइम अभी बचा हुआ है, टाइम लगने वाला है, मतलब आपका बेबी आने ही वाला है, या आपके पास अभी बेबी को आने में टाइम है, मतलब आपकी डिलीवरी में अभी टाइम लग सकता है। वीडियो से हेल्प मिली होगी जानने में कि आपकी डिलीवरी में अभी कितना टाइम और लगने वाला है या आपकी डिलीवरी होने ही वाली है। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।